वेलकम टू माय चैनल पथिक डायरी। सभी को मेरा नमस्कार, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। यूरोप यात्रा के दौरान इस समय हम इटली में। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हमने फ्लोरेंस सिटी की यात्रा की और फ्लोरेंस सिटी को काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया, और इस समय हम लिनिन टावर ऑफ पिज़ा, सिटी ऑफ पिज़ा में हैं। बेसिकली पिज़ा सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में कई बार रह चुका है। करंट पोजीशन क्या है शायद वो क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि कहते हैं कि इस टाइम पे वो सेवन वंडर्स की लिस्ट में नहीं है, पर इसके बावजूद बहुत खूबसूरत जगह और ये हमारी आइटनरी में बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। पिज़ा के दर्शन करना, यहाँ की यात्रा करना काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था हम लोगों ने, और आज मौका मिल रहा है हम लोगों को। जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरा ग्रुप टूर है। ग्रुप टूर के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान होते हैं। जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो ग्रुप टूर में आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है, बहुत लोग होते हैं आपके साथ। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, तो बहुत लोग खड़े होते हैं आपके साथ, ये एक प्लस पॉइंट होता है। और जो नुकसान है वो ये होता है कि आपको लिमिटेड टाइम में घूमना होता है। आपके पास एग्ज़िट और एंट्री का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, आप ग्रुप से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। आप कुछ अलग घूमना चाहते हैं तो वो आइटिनरी से अलग है, तो आप वो नहीं घूम सकते। इसी तरह हमने देखा कि जितनी भी सिटीज़ हमने देखा, फ्लोरेंस, वेनिस, तो कंपेरेटिवली कम टाइम था। और ये हम पिज़ा सिटी पहुंच चुके हैं और ये बस स्टॉप, यहाँ से हमें करीबन 10 से 15 मिनट पैदल जाना पड़ेगा, और हम इंजॉय कर रहे हैं, हम पैदल घूमना चाहते हैं। नाउ अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम पिज़ा में हैं, पहले हम जा रहे हैं मिरेकल स्क्वायर, उसके बाद गो टुवर्ड्स टावर ऑफ पिज़ा, व्हिच यूज्ड टू बी वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, नाउ इट्स नॉट बिकॉज़ द लिस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो अभी हमने वो लिस्ट चेक करी और उसमें आप लिनिन टावर ऑफ पिज़ा नहीं है। ये लिस्ट मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे ध्यान है ये एवरी ईयर चेंज होती है। और इटली को पैदल घूमना, वॉक करके एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ा अच्छा लगता है। उससे आप क्या होता है कि वहाँ की आर्किटेक्चर, वहाँ की कल्चर, वहाँ के लोगों को बहुत क्लोजली देख पाते हो। और करीबन हमें 10 मिनट हो गया पैदल चलते हुए, पूरा ग्रुप हमारे साथ और सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी देर से बस में बैठे हुए थे हम लोग, और अब डिनर तक हम यहीं रुकेंगे। यहीं पिज़्ज़ा के पास एक रेस्टोरेंट में डिनर का अरेंजमेंट है। मैंने बताया कि हमारे ग्रुप टूर में इंडियन डिनर इंक्लूड किया हुआ है, तो हर इवनिंग में ये हमें ऐसे रेस्टोरेंट में ले जाते हैं जहाँ आपको इंडियन फूड मिल जाता है। और रास्ते में ये कुछ शॉप्स, मैं आपको बता दूं कि पिज़्ज़ा लिनिन टावर ऑफ पिज़्ज़ा में एंटर करने से पहले ये छोटी छोटी शॉप्स आती हैं और ये सभी बांग्लादेशियों की हैं। आपको रीज़नेबल रेट पे क्लोथ्स, बैग्स, कैप, वॉचेस और गिफ्ट आइटम्स मिल जाते हैं बड़े रीज़नेबल प्राइसेस पे, और बार्गेन चलती है यहाँ पर, आप जितना बार्गेन कर सकते हैं। सभी शॉपकीपर्स हिंदी बोलते हैं यहाँ पर। ये गेट से एंटर करते ही हम पहुँच जाते हैं पिज़्ज़ा कैथेड्रल स्क्वायर में। बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ आपको तीन बड़े स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं, नंबर वन पिज़्ज़ा कैथेड्रल, नंबर टू पिज़्ज़ा बैप्टिस्ट्री, और लास्ट में आप जो टावर देखेंगे वो है लिनिन टावर ऑफ पिज़्ज़ा, जिसे टावर ऑफ पिज़्ज़ा कहा जाता है। बेसिकली ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है। और इस टाइम हम लिनिन टावर ऑफ पिज़्ज़ा के पास, ये पीछे आप देखिए पिज़्ज़ा, और इस टाइम पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, बट ये एरिया काफ़ी ओपन है तो भीड़ स्कैटर्ड है, एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। टेम्परेचर इज़ हाई, शाम के करीबन 4:30 बजे हैं और अभी भी गर्मी काफ़ी लग रही है। एंड ये मैं, हिमा, बच्चे, ब्यूटीफुल सीन पीछे, हम लोगों को भी सनटैन भी हो रखा है काफ़ी, हम पिछले 3-4 घंटे बस घूम ही रहे गर्मी में। ये पूरा ही कॉम्प्लेक्स बहुत खूबसूरत है। मैं बताऊं कि यूरोप में हम जहाँ भी घूमने जा रहे हैं थोड़ा सा क्रैम्प और थोड़ा कंजस्टेड है, जो जितने भी पुराने मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग्स हैं, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मुझे दिखा जो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ग्रीनरी है, यहाँ पार्क है, और बहुत भीड़ होने के बावजूद भी स्कैटर्ड भीड़ है, एक जगह आपको बहुत ज़्यादा भीड़ एक साथ नहीं दिख रही है। तो इंजॉय कर रहे हैं, शाम का टाइम अभी 4:30 बजे हैं और आसमान बहुत क्लियर, हल्की हल्की धूप, और इसमें पिक्चर्स बहुत अच्छी आ रही हैं, तो ये मोमेंट्स इंजॉय कर रहे हैं अपने ग्रुप के साथ, अपनी फैमिली के साथ।
एक बार और प्लीज। सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल के दीदार हम कई बार कर चुके हैं और लीनिन टावर को हम पहली बार देख रहे हैं। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी हाइट जो है वो 55.86 मीटर है और ऊपर चढ़ने के लिए 296 स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं। 12th सेंचुरी में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और 199 ईयर्स लगे, 199 अप्रॉक्सीमेटली 200 साल लगे और 14th सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ है। जब ये सेकंड फ्लोर तक ही बना था तब से इसमें टिल्ट आना शुरू हो गया क्योंकि ज़मीन इसकी जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग नहीं था, इसकी नींव जो डाली गई थी वो बहुत स्ट्रांग नहीं डाली गई थी और 5.5 डिग्री तक का इसमें टिल्ट आ चुका था। और अब इसको थोड़ा सा रिनोवेट किया गया है, थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टेबल किया गया है, बट आज की डेट में भी इसका जो टिल्ट है वो 3.97 डिग्री इसका है। आप दूर से भी देख सकते हैं कि ये एक झुकी हुई बिल्डिंग है। वीडियो बना रही हूँ। और इस समय शाम के 7 बज चुके हैं और लीनिन टावर के पीछे ही एक मार्केट है जहां एक रेस्टोरेंट है जहां हमें डिनर के लिए ले जा रहे हैं अभी, और डिनर करने के बाद फिर हम अपने होटल में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि शाम के 7 बजे भी काफ़ी उजाला, कुछ जगहों पे अभी धूप भी है। और ये फिनोमेना मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यूरोप में जो रात है वो 9 बजे या 9:30 बजे के बाद होती है, अंधेरा जिसे कहते हैं। और इस समय दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें, कुछ ओपन रेस्टोरेंट भी हैं और पिज़्ज़ा से निकल के एक छोटा सा गली आ रहा और वहाँ से हम किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स में जाएंगे पैदल 5 मिनट। और ट्रैवलिंग अच्छा लग रहा है, यूरोप में मैंने पहले भी बताया कि यहाँ ट्रैवल करने से अब वहाँ की स्ट्रीट्स, वहाँ की कार्स। और ये हमारा रेस्टोरेंट आ चुका है, राजस्थानी रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट का नाम है राजस्थान रेस्टोरेंट, इंडियन राजस्थान रेस्टोरेंट। और अंदर एम्बियंस इंडियन और राजस्थानी फूड देने का पूरा प्रयास किया गया। That's right. It used to be. क्या है यहाँ पर पेंटिंग और ऊपर आप जो शामियाना देख रहे हैं। बट जहाँ तक मुझे लगा कि इस रेस्टोरेंट में केवल इंडियन फूड मिलता है और ये केवल ऐसे ही टूर्स के लिए बनाया गया है, जो पूरा का पूरा टूर आता है वो इंडियन रेस्टोरेंट में अगर खाना खाना चाहता है तो यहाँ आ जाते हैं, अदरवाइज़ यहाँ हमारे अलावा कोई और नहीं है। खाने की क्वालिटी अच्छी थी पर बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, कोई स्ट्रक्चर नहीं था उसका, केवल एक ओपन इलाके में शामियाना लगा के उसको चारों तरफ से बंद करके एक रेस्टोरेंट बनाया गया है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं था। बट स्टिल हम लोगों ने वो इंजॉय किया। शाम के इस टाइम पे 8:30 बज रहे हैं, आप धूप देख सकते हैं, सूर्य देवता इस समय भी आसमान में विराजमान। और रात के 8:30 बजे, ये चीज़ें हमें आदत नहीं है इंडिया में, और
रात को धूप लेना इट्स ए डिफरेंट थिंग। यही बात मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ समय कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए इंसान को। सात समंदर पार, ये ऐसे देश हैं, ये ऐसी जगहें हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं हमसे। हम लोगों ने यहाँ ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी और आर्किटेक्चर, लोगों का संस्कार, लोगों की संस्कृति, इससे रूबरू होना, इनके दर्शन करना, इनको सीखना, इनको जानना, ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक होता है हर इंसान के लिए। तो वही प्रयास कर रहे हैं, यहाँ की खूबसूरत यादें, यहाँ का खूबसूरत इतिहास अपने साथ लेके जाना चाहते हैं इंडिया। और भविष्य में फिर कभी मौका मिला तो दोबारा ज़रूर आएंगे इन खूबसूरत जगहों पे। फ़िलहाल ये क्षण, ये मोमेंट्स मैं अपने आप को, अपने परिवार को इन खुशियों के साथ यहीं बिताना चाहता हूँ। हम खबर रहे हैं, हम पीसा के नजदीक यहाँ पे कमरे को कमेरा बोलते हैं।